नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता। लाखमंडल बैरोथा कोटा तपलाड़ में बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के जनसंपर्क कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा दम लगा दिया है। चकराता विधानसभा की अगर बात करें तो यहां पर इस चुनाव में जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रीतम सिंह की साख दांव पर है, वहीं भाजपा के प्रत्याशी बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल के कंधों पर चकराता में कमल खिलाने की चुनौती है। दोनों कद्दावर नेता अपनी जीत पक्का करने के लिए विधानसभा चकराता के गांव-गांव तक पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार बाजी पलट भी सकती है, क्योंकि बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने भी भाजपा के कमल खिलाने के लिए कमान संभाल ली है। उनका फोकस युवा मतदाताओं पर है। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने आज क्षेत्र के लाखा मंडल बैरोथा कोटा तपलार में लोगों से रूबरू हुए और इस बार चकराता में परिवर्तन का आह्वान किया। जुबिन को अपने बीच पाकर क्षेत्र की जनता एवं युवा काफी खुश दिखे। वहीं जुबिन नौटियाल से बार बार क्षेत्र में आने का आग्रह भी किया। वहीं जुबिन नौटियाल ने भी लोगों से वादा किया कि चुनाव परिणाम जो भी हो, हम क्षेत्र की जनता के साथ खड़े रहेंगे। जनसंपर्क के दौरान गीताराम गौड़, प्रवासी प्रभारी सतीश कपूर, मंडल अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर, भारतीय युवा मोर्चा उपाध्यक्ष संजय तोमर, संगीता जोशी, पंचायत सदस्य नरेश चौहान, विपुल अग्रवाल, सूरज सिंह चौहान, नीरज नौटियाल आदि उपस्थित रहे। सहयोगी कैमरामैन के साथ रुद्र बहादुर थापा की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। प्यार बहुत मिल रहा है लोगों का और लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी मांग है परिवर्तन की, विकास की, जिसके पीछे मैं और मेरे पिता श्री रामशरण अब लग चुके हैं। हम लोग इस वक्त गांव-गांव जा रहे हैं, खत-खत जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरह का प्यार मिल रहा है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और मैं खुश हूँ कि अभी भी जौनसार के लोगों के अंदर वो मिट्टी की खुशबू आती है जो मैं पिछली बार उनसे लेके गया था। युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि ये वक्त है युवाओं के लिए, बदलाव के लिए। ये वक्त है जब युवा शक्ति अपने आप में किसी भी पहाड़ को गिरा सकती है, किसी भी नदी को रोक सकती है। युवा अपने आप में भविष्य है हमारे देश का, हमारे लोगों का। तो युवा से मेरी सिर्फ एक प्रार्थना है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने मतदान का इस्तेमाल करें और अच्छे और डिज़र्विंग कंटेस्टेंट्स को आप लोग जिताएं, ताकि हमारा स्टेट, हमारा उत्तराखंड ज़्यादा से ज़्यादा विकास देख सके आने वाले 5 सालों में। अगले 10 सालों में वैसे ही उत्तराखंड का बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, तो मुझे लगता है कि हम भी उस बड़ी सी चेन में एक छोटी सी कड़ी बनेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपने संगीत से बहुत सारे लोगों को छू सकता हूँ। मुझे लगता है मेरा संगीत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और वो जो मैसेज मैं बार बार अपने संगीत के थ्रू लोगों को, अपने फैंस तक भेज रहा हूँ, वो मेरा मैसेज भेजना बहुत ज़रूरी है। देखिए, संगीत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी भाषा है जिसमें कोई जातिवाद नहीं है, जिसमें कोई भाषा नहीं है, वो सिर्फ एक साउंड है। मुझे लगता है इकलौती ऐसी साउंड है जो पूरे विश्व में सबको बहुत खूबसूरत लगती है, और मुझे भगवान ने चुना है उस साउंड को बनाने के लिए, संगीत बनाने के लिए। मुझे लगता है इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए कोई नहीं है। तो राजनीति से बहुत दूर हूँ, हाँ, अपने पिता के लिए और अपने क्षेत्र के लिए हमेशा जुबिन नौटियाल खड़ा। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रस्ते, उस देव भूमि के प्यार में मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। थैंक यू सर। आगे के अपडेट के लिए बने रहें डीसीबी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।